नागौर में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राजस्थान में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा एवं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। इसी सिलसिले में आज रंधावा, डोटासरा और जूली नागौर जिले के खीवसर में वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व उप जिला प्रमुख डॉक्टर सहदेव चौधरी की ओर से साफा माला पहनाकर स्वागत सत्कार किया गया और नागौर लोकसभा क्षेत्र से जुड़ी अहम जानकारियां दी गईं। नागौर के जिला कांग्रेस कार्यालय में तीनों नेताओं ने कार्यक्रम संवाद कार्यक्रम में शिरकत की और कार्यकर्ताओं में आगामी लोकसभा के चुनाव को लेकर हौसला अफजाई की। 2 घंटे 12 मिनट तक बोले, क्या बोले किसी के समझ में नहीं आया। चौपड़ पे भाषण दे रहे हैं, मोदी जी ये कर रहे हैं, मोदी जी ये कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो महाराज, आपको मुख्यमंत्री बनाया है तो आपका अपना विजन बताओ। हमारी बातें सब घोटाले हो गए, सब जांचें करा देंगे, मना कौन कर रहा है, हाथ कौन पकड़ रहा है, कलम कौन पकड़ रहा है, तुम्हारे ताबे तुम्हारी ब्यूरोक्रेसी नहीं आ रही है, तुम्हारा अधिकारी तुम्हारी नहीं मान रहे हैं, तुम्हारे कहने से अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे कहने से तुम्हारी प्रदेश की सरकार के लिए लोगों के लिए जो काम करना उसकी कार्य योजना आपसे नहीं बन पा रही है और आप लांछन पे लांछन लगाए जा रहे हो। किसने मना किया इनको जांच कराने के लिए, किसी की भी जांच कराएं कौन? अब कह रहे हैं सीबीआई को हमने फ्री कर दिया, सीबीआई को फ्री कर दिया तो आ जाए सीबीआई, फिर ये नागौर रहा, ये सीकर रहा, झुंझुनू रहा, अलवर रहा, जहां मर जाए जहां घूमे, मर जाए जिस मुकदमे को ले, मर जाए जिसके घर में घुसे, मर जाए जिसको नोटिस दे, मना कौन कर रहा है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, हम सब एकजुटता के साथ में संविधान को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए और राजस्थान में कैसे भाईचारा कायम रहे, कैसे संविधान के मुताबिक काम होते रहे, इस बात के लिए हम लोग ये जो है वो कार्यक्रम वगैरह कर रहे हैं और लोगों को बहुत इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अब चेंज आएगा और लोकसभा में बीजेपी हारेगी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।